जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या होता है और इसका किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है या किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति है, ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे आया। तो इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ आज विज्ञान के बारे में। तो देखते हैं विज्ञान क्या है। तो सबसे विज्ञान पहले ये देखते हैं कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की अगर परिभाषा हम देखें तो विज्ञान क्या है, तो जो भी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, अगर किसी भी घटना को अगर हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं या क्रमबद्धता से या व्यवस्थित रूप से उसको पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप इससे परिभाषा तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको शब्द से ही बताता हूँ कि आप विज्ञान शब्द इसकी परिभाषा कैसे बनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है वी और एक क्या होता है ज्ञान। तो क्या होता है, एक तो होता है वी और एक का मतलब होता है ज्ञान। तो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष। क्या होता है, इसका मतलब विशिष्ट होता है या विशेष होता है। ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है, या मतलब यहाँ पर कह सकते हैं विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, या विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहते हैं, स्पेशल ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जबकि बात करते हैं क्या कि जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाशा के साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है आप जान सकते हैं कि जानना होता है। जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जानना होता है। ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जानना। अब देखते हैं कि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो विज्ञान का पिता आप देख सकते हैं यहाँ पर, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो विज्ञान के पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है विज्ञान का पिता। जबकि आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान का पिता जो कहा जाता है वो गैलीलियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गैलीलियो को कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया है, सारी की सारी घटना, और जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने ही दिया था। किसका, जड़त्व का नियम। तो क्या कहा जाता है ना, आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसे, गैलीलियो को कहा जाता है। अब देखते हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में विज्ञान को बांटा गया है। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। जैसे बात करते हैं कि इसमें कौन सी पहली शाखा हम देखते हैं, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जबकि दूसरी शाखा देखते हैं विज्ञान की कौन सी है, तो दूसरी शाखा विज्ञान की जो होती है वो फिजिक्स होती है, या भौतिक विज्ञान हिंदी में उसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्या होते हैं, गड्ढे में जब मच्छर बैठते हैं उसमें मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो होते हैं भूर जाते हैं। किस लिए भूर जाते हैं, तो उसका क्या होता है, मतलब जो होता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जल का। अब बात करते हैं कि जब किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है, तो ये किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में होता है, कारण होता है। तो इन सभी बात चीज़ों के घटनाओं के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की लास्ट शाखा जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री में हम किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कोई भी पदार्थ किस पर किस किस से मिलकर बना है, और बात करते हैं कि जैसे परमाणु बम किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन बम किन किस से काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में, किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आज हमें आप लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि साइंस की एक जो मतलब भाग है या शाखा है जिसका नाम है बायोलॉजी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का डिस्कस करने वाला हूँ। आगे के वीडियो में मैं भूगोल आपका मतलब सॉरी यहाँ पर मैं आगे फिजिक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। मैं अलग अलग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आज का सब्जेक्ट जो आपका होगा वो बायोलॉजी ही होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, क्या जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जिसमें लास्ट में जो कल्चर होता है वो तो 90% ना कि 100% 90% जो होते हैं वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। जबकि बात करें कि जिसमें लॉजी लगा होता है ये तो उसको क्या कहते हैं, तो वो 90% क्या होते हैं, लॉजी या लोगोस लगा होता है उसको क्या कहते हैं, वो 90% जो होते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जबकि बात करते हैं कि मतलब
बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? वायोस। क्या होता है? पहला शब्द जो होता है वायोस, और दूसरा शब्द जो होता है वो लोगोस होता है। और बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब जो होता है वो सजीव होता है, जबकि क्या होता है, लोगोस का मतलब क्या है, अध्ययन करना होता है। तो बायोलॉजी क्या है? जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। और यहाँ पर इसके पिता, तो बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोलॉजी के लिए सबसे पहले बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द किसने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो 1801, 1802, कहीं पर आपको 1801 भी मिल सकता है, कहीं पर 1802 भी आपको मिल सकता है। तो क्या हुआ, इन दोनों को याद कर सकते हैं। 1801 से 1802 में लेमार्क एवं ट्रेवनेरस, लेमार्क और ट्रेवनेरस दो मतलब आदमी थे जिन्होंने क्या किया, वो जो मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी को बायोलॉजी नाम दिया। किसने दिया? लेमार्क व ट्रेवनेरस ने दिया। अब बात करते हैं कि अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि सजीव और जीव मतलब सजीव हो गया जीव और प्राणी में क्या अंतर है, तो सजीव और जीव और प्राणी में क्या अंतर है, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी तो चीजें एक ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सजीव वो चीजें होती हैं जिनमें सारे के सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे पेड़ पौधा भी आ जाएगा उसमें, सारे के सारे एनिमल्स भी आ जाएंगे उसी में, कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, जितने भी सजीव होते हैं जो जीवित होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी इसमें भी शामिल किए जाते हैं सजीव में। जबकि बात करते हैं जीव और प्राणी एक ही चीज होते हैं, जैसे हम बात करें सॉरी जंतु और प्राणी एक ही चीज होते हैं। जंतु में अगर बात की जाए, जैसे मनुष्य भी एक क्या है, मनुष्य एक जंतु है, लेकिन ये मनुष्य में हुआ क्या है, मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का विकास हो गया, इसमें मतलब दिमाग की ग्रोथ हुई है, इसलिए इसको क्या कहता है, वो अपने आप को जंतुओं से अलग मानता है, इसलिए क्या। लेकिन प्राणी प्राणी है, प्राणी को ही जंतु कहते हैं, जंतु को ही प्राणी कहते हैं, मनुष्य भी एक क्या है, जंतु है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी की भी कितनी शाखाएं हैं, तीन शाखाओं को बायोलॉजी में भी बांटा गया है। तो बात करते हैं मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं, वैसे तो इसकी उप शाखाएं तो बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे एपिकल्चर है, सेरीकल्चर है, इन सारी चीजों को मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें। मैं आपको मेन जो इसकी बायोलॉजी की जो तीन शाखाएं हैं मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली शाखा है बायोलॉजी की वो है जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी जिसे हिंदी में हम कहते हैं जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी क्या है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जोया शब्द से हुई है। किससे हुई है? जोया शब्द से हुई, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो प्राणी होता है। क्या होता है हिंदी में? प्राणी होता है। जबकि इसके जनक की बात करें तो इसके जनक जो है जूलॉजी के वो अरस्तु है। कौन है? यहाँ पर बात की जाए विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु है। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो है। और यहाँ पर बायोलॉजी की जनक की बायोलॉजी के भी जनक की बात की जाए, या जनक या पिता की बात की जाए, तो भी वो भी अरस्तु हैं। और यहाँ पर जूलॉजी के भी क्या है जनक, वो भी अरस्तु हैं। इनको जूलॉजी का मतलब जनक क्यों कहा जाता है? तो जूलॉजी का जनक इनको क्यों कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एलिमेन, क्या है, एलिमेलियस। कौन सी है? हिस्टोरिया एलिमेलियस, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या होता है, हिस्टोरिया का मतलब मैंने अगले पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, हिस्टोरिया का मतलब जो होता है वो इतिहास से होता है, जबकि एलिमेलियस का मतलब होता है एनिमल से होता है, मतलब जानवरों से होता है। तो जानवरों के इतिहास के मतलब इसको यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जानवरों के इतिहास से जो संबंधित बुक थी वो क्या कौन सी थी, हिस्टोरिया एलिमेलियस थी। कौन सी? हिस्टोरिया एलिमेलियस थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इतिहास मतलब जूलॉजी का पिता कहा जाता है, किसे, अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एलिमेलियस लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो विज्ञान की जो बायोलॉजी की जो दूसरी शाखा है जिसका नाम है बोटनी, बोटनी से हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में जो कहते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जबकि ये आपसे पूछ दिया जाए कि जो है बोटनी है वो किस शब्द से मिलकर बना है, तो बोटनी जो है इसकी शब्द से उत्पन्न हुई है, बोटेन शब्द से उत्पन्न हुई है। क्या? बोटनी। किससे? बोटेन शब्द से उत्पन्न हुई है बोटनी। जबकि बोटेन शब्द का अर्थ पूछे आपसे तो बोटेन शब्द का अर्थ होता है बूटी। क्या होता है? बूटी। जड़ी बूटियों से संबंधित यह विज्ञान, या इसमें वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है, पेड़ पौधों को इसमें अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहते हैं इसका, ये बोटेन शब्द से उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ जो होता है वो बूटी होता है। जबकि इसके जनक या पिता की बात की जाए तो इसके जनक या पिता जो हैं वो थियोफ्रास्टस हैं। कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। और कहीं पर आपको मिल जाएगा थियोफ्रास्टस भी मिल जाएगा और थियोफ्रास्टस भी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप देख सकते हैं इसका क्या है, अब यहाँ पर आप, यहाँ पर थोड़ी
यहाँ पर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरस। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी, इनको इतिहास मतलब बॉटनी का जनक क्यों कहा जाता है, तो इनको बॉटनी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने प्लांट के बारे में या पौधों के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी उन्होंने। कि कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने, लिखी थी हिस्टोरिया एलिमेलियस लिखी थी। कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया एलिमेलियस लिखी थी। अब बात करते हैं तीसरी और लास्ट शाखा इसकी कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है, लुई पाश्चर है। आपको बता दो सूक्ष्म जीव विज्ञान उसे कहते हैं कि इसको जो भी इसमें वो कीट या वो जंतु जीव जंतु सम्मिलित किए जाते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, उनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में रखा जाता है उनको। इनके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है वो लुई पाश्चर है। कौन है, लुई पाश्चर है। इनको जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया था जिसका नाम था पाश्चरीकरण। इसमें दूध को इतने ताप पर गर्म किया जाता था कि जिसके जिससे के जितने भी जीवाणु थे वो नष्ट किए जा सके और दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जो इन्होंने एक क्या की, एक विधि अपनाई पाश्चरीकरण। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है लुई पाश्चर को। तो हेलो दोस्तों, यही था विज्ञान से रिलेटिव इसका इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।